क्योंकि 12 लगाना नहीं आता हमको और क्या है इसको भी नहीं आता, इसका कल हम उधर जा रखे थे और बांगा 12 लग रखा था। हमारे साथ डेली जाएंगे यहाँ से वीडियो अपलोड करने, अपलोड करने क्या बताऊँ, समस्या हो रही है और लगातार लगभग 10-12 दिनों से बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। वैसे 4G चल रहा था वो भी अब कल बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि भाई घर में उतना रह करके कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो गाइस देखिए खड़खड़ी मैंने एक पोल भी कर दिया है, तो खड़खड़ी का मतलब होता है एकदम से जल्दी कर दिया है, जैसे बिल्कुल ही गोल मटोल। ये देखिए भाई तो काका लोग भी अभी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा चट्टान वाला क्षेत्र है हमारे पूरे चमोली जिले में। है जी सुवर ने आ रहे हैं 100 लू और मैं वो भी 2 वीडियो है आज, तो भाई 4K की वीडियो आपको मिलने वाली है। दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है सूरज नेगी ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को सूरज नेगी का प्यार भरा नमस्कार और देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों में आपका स्वागत है। ब्लॉग की शुरुआत लगभग 5 बजे से कर रहे हैं एकदम सुबह सुबह से, और अभी एकदम से अंधेरा अंधेरा सा है। तो दोस्तों आज हम फिर से जाने वाले हैं अपने राजमा के खेत में, तो जल्दी से कंडी उठाते हैं और चलते हैं खेतों में। तो दोस्तों हमारी कंडी भी रेडी हो चुकी है और हम चलते हैं खेतों में, अपने धारी तक पहुंच चुके हैं। तो आजकल का मौसम की बात करें तो बहुत ही ठंडा लग रहा है, मतलब आप चल रहे हैं जैसे ही बिल्कुल ही भाई बहुत ही ठंडे, जैसे हाथ बिल्कुल ही सूख पड़ जाते हैं। तो जो ये नोकीले पहाड़ दिख रहे हैं ये हाथी घोड़ा पर्वत है, और यहाँ पर धूप भी आज फिर से चमकने लग गई है। तो पर चना वैली नेशनल पार्क की बात करें तो अभी यहाँ पर धूप भी नहीं निकली है, और कल तो यहाँ पर निकल गई थी तो अभी नहीं है भाई। देखिए खेतों में पहुँचने से पहले ही यहाँ पर नुकसान दिख जाता है, और जहाँ पर देखो वहाँ पर भाई पूरी राजमा जो है कि ख़राब कर रखी है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी ये देखिए पूरा डसाण जैसा लगा रखा है, बताएं बहुत ही भयंकर वाला नुकसान कर रखा है। और क्या ही बताएं भाई, आप देख सकते हैं रास्ता लगा कर यहाँ से नीचे जा रखे हैं, और जो है कि राजमा का बिल्कुल ही भाई नीचे डसाण लगा रखा है। और चलते हैं जल्दी जल्दी निकालते हैं, उसके बाद धूप भी निकल जाएगी। वैसे कच्ची राजमा है आजकल यहाँ पर, तो क्या करेंगे कि सूखी सूखी जो भी है उनको सारे निकालेंगे। तो ऊपर धूप भी निकल चुकी है जनाब नेशनल पार्क में, और यहाँ पर जो घास है तो अभी हमने घास भी नहीं काटा है, इस घास का नाम मुसिया है। और थोड़ी ये देखिए हमने अभी यहाँ पर राजमा भी निकाल दी है। राजमा की बात करें तो राजमा भी एकदम से बर्बाद हो गई है। यहाँ पर देखिए ये जो आवार दिख रहे हैं आपको, तो ये जंगली जानवरों ने सब तोड़ ताड़ के कर दिया है, तो ऐसे करके इनको उठाना पड़ रहा है। वहाँ पर देखिए वो भी भाई पूरा ही लटका दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर चमचमाती हुई धूप भी लग गई है, और भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो हमारी माता का मंदिर यहाँ पर है, तो माता से मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए, तो इन खूबसूरत नज़ारों का क्या कहना। तो देखिए भाई अभी जो सुबह का समय होता है उसमें भाई बहुत ही सुंदर और दृश्य आपको दिखने लग जाते हैं यहाँ पर। तो ये बद्रीनाथ क्षेत्र वाला सबसे ऊंची चोटी है, इसके पीछे बद्रीनाथ भी है और हिमालय के जो ये क्षेत्र हैं, तो यहीं से जो ठंडी ठंडी हवा आती है, तो हवाएं भाई कहाँ से आती है। अभी बात करूँ मैं माहौल की तो मेरे हाथ एकदम से सुन्न पड़ चुके हैं, और इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों ठीक सामने जो आपको धनुष जैसा वो दिख रहा है, तो वहाँ पर भाई दामन ठेला बोलते हैं। तो जब हम छोटे थे तो वहाँ पर जब धूप जाती थी तो एकदम से 8 बज जाती थी, और अभी 8:03 हो चुके हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो आवार लगा रखे हैं तो उन पे भाई कुछ भी नहीं है, तो ये जो है कि लंगूरों ने बिल्कुल सफा चट मचा रखा है। वहाँ से देखेंगे आप यहाँ पर थोड़ा इसी पे इस पे लगा है, और एक उधर वाले पे, नहीं तो सब बना रखा भाई बंदरों ने। तो दोस्तों अभी हमारी कंडी भी आधा आधा भर चुकी है, और यहाँ पर प्रियंका भी पहुँच चुकी है। और नुकसान की बात करें भाई खेतों के नुकसान की, तो यहाँ पर भाई पूरा ही बेकार बना रखा है सूअरों ने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई। यहाँ पर देखिए पूरे यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा ही बिछा रखा जो ये आवार है, ये देखिए भाई। तो बहुत ही समस्या होती है हमारे पहाड़ों में, तो जंगली जानवर का नुकसान ये भाई ज़्यादा ही कर देते हैं कुछ। तो दोस्तों अभी हमने राजमा भी निकाल ली है और चलते हैं अब घर, और प्रियंका भी वहाँ पर अभी भाड़ा लगा रही है, तो समय भी लगभग बहुत ही हो चुका है, तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम धारे पे पहुँच चुके हैं, और गर्मियों में भाई ये पानी ठंडा लगता है, और
आजकल जो ठंडियों का मौसम है अभी एकदम से मुलमुलिया गर्म सा रहता है, तो कुदरत की देन है क्या ही बताएं। ठीक सामने की बात करें तो वहाँ पर मेरी बाइक लगा रखी है, बहुत दिनों से वो भी वहाँ पर हवा खा रही है। तो थोड़ी देर चलने के बाद अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। घोड़ा पर्वत भी भाई यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखने लग गया है। कालू भी अभी यहाँ पर मस्त होकर के बैठा है और कहा के लोग भी भाई अपने काम काज में लगे हैं यहाँ पे, तो कहा का लोग भी अभी यहाँ पर बैठे हैं, तो हम भी अभी यहाँ पर आ गए भाई। मौसी जी भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कहीं जाने की, और कहा के जी हैं हाँ आजकल राजमा निकालने का काम चल ही रहा है और चौलाई भी काट ही रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बिल बना रहे हैं और देखिए तो बड़ी दूर से आते हैं जोशीमठ, और अभी जाना है यहाँ से भाई पूरे गांव में भ्रमण करेंगे। लगभग भाई को भाई 3 दिन लग जाते हैं, नहीं 3 दिन लग जाते हैं भाई, और पैदल इतना जाना होता है क्या ही बताएं, क्योंकि चढ़ाई का रास्ता है पहाड़ों में आपको पता ही होगा। तो दोस्तों अभी लगभग 12:52 हो चुके हैं और अभी हम आ रखे हैं अपने छत में, और यहाँ पर देखेंगे ये देखिए राजमा की जो छटाई है तो इसको कूटना पड़ता है। अभी प्रियंका यहाँ पर छटाई कर रही है, ये देखिए भाई, तो इसको भाई ऐसे इसको सूपा बोलते हैं गढ़वाली में, और इसको क्या करते हैं इसमें भरते हैं और हवा चलती है और उसके बाद भाई इसको सतराते हैं। ये देखिए ये इस तरह से नीचे डालते हैं और एकदम से ये सही हो जाता है भाई। ये देखिए फिर इसको ऐसे करेंगे हवा से, जितने भी जो पतले पतले ऊपर से कठियार होंगे वो सारे इधर उधर चले जाएंगे। ये देखो भाई ऐसा नीचा जाता है भाई, तो इसके बाद क्या करेंगे इसको धूप पे फिर से सुखाएंगे और फिर नीटना पड़ता है। अभी तो ये ऐसे ही शॉर्टकट में कर रहे हैं, तो जैसे ही दूसरी बार धूप में डालेंगे जब ये पूरी छटाई हो जाएगी उसके बाद धूप में डालेंगे और फिर इनको क्या करेंगे कि पूरी छटाई करेंगे इसमें, जिसमें भी ये आपको गड़दा दिख रहा है इसमें तो उसको पूरा ही छटाई करेंगे। तो नीचे की बात करें तो काका लोग भी वहाँ पर मस्त होकर के धूप सेक ही रहे हैं, और यहाँ पर मौसी जी भी गाय के साथ जाने लगे हैं और आपको हाई कर रहे हैं मौसी जी। तो आज मौसी जी की भाई ड्यूटी है गाय के साथ जाने की। हमने भी खेतों में यहाँ पर पानी लगा रखा है क्योंकि आजकल जो गोभी के पौधे लगा रखे हैं वो सारे सूखने लग गए हैं कुछ कुछ, तो इसीलिए हमने इसमें पानी लगा रखा है। तो प्रियंका भी भाई फिर से यहाँ पर नीटने लग गई है, अब थोड़ा ही बचा है और इसको भी पूरा छटाई करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे घास के लिए, घास लेने के लिए। तो आज फिर से भाई क्या ही बताएं। तो आजकल जो है कि भाई सभी जगह घास इकट्ठा कर रहे हैं, जब बर्फ़ आती है उस बर्फ़ के महीनों के लिए स्टॉक रखते हैं। अगर कई 20 दिन तक अगर जैसे बर्फ़ नहीं पिघली तो तब तक लगभग घास हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा चट्टान वाला क्षेत्र है हमारे पूरे चमोली ज़िले में, बहुत ही बड़े बड़े आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ब्लॉग में भी देखा होगा, तो इसीलिए हम जून के महीने में घास के लिए नहीं जाते हैं। तो अभी भी भाई थोड़ा सा बचा है और इसको क्या करेंगे अब हमारा कट्टा भरने वाला है, तो इस तरीके से डालेंगे इसको। और भाई इतना तो हो गया है, इस बार क्या ही बताएं बहुत ही कम राजमा हुई है, कुछ इसमें भी है तो उतना नहीं होगा मेरे ख्याल से, 50 किलो भी पूरा नहीं होगा, तो सुअर का आतंक है नहीं है जी, सुअर ने आतंक बचा, सोलू होता भाई वो बहुत ही नुकसान कर देता है क्या ही बताएं। तो देखिए अभी इसको फिर से सुखाएंगे और थोड़ा बहुत होगा इसमें तो इसको भी फिर कूटेंगे, क्योंकि कुछ दिखाई दे रहे हैं इसको इसमें जैसे कि ये है और कुछ ये है देखिए, तो इसको फिर से कूटेंगे हम, तो उसके बाद बढ़िया से हो जाएगा और जो ये घास है ये गाय के लिए हो जाएगा। तो इस घास को क्या करते हैं भाई बकरी के लिए भी देते हैं, दूध वालों जानवर के लिए बहुत ही अच्छा, वालों के लिए जैसे दूध देते हैं जो जानवर उनके लिए बहुत ही बेस्ट होता है केमू का घास और ये राजमा का घास, ये देखिए तो ये भी काम में आ जाता है। तो आज सामने की बात करें तो रोड पे भी बिल्कुल सुन ही पड़ा है, क्या पता थोड़ी दिनों के स्नान में यात्री लोग दर्शन के लिए आए। तो लगभग 15-20 मिनट के बाद हमारी इतनी राजमा हो चुकी है, जो छिगल हैं यहाँ पर रखे हैं और जितने बचे हैं तो इनको भी थोड़ा निफेलेंगे भाई, इतने राजमा निफेल दिए हमने और इतना सा रह रखा है इसको शाम निफेलेंगे।
और प्रियंका भी जा रही है अभी ऊपर गाय को बांधने के लिए, इसका टैगो हम नीचे ले जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम चल चुके हैं घास लेने के लिए, और यहाँ पर भाई हमारा चिचला भी आ गया है और सियाली भी भाई आ गए हैं, तो एक एक भारा इनका भी छूट रखा है। तो काकी जी भी आ रहे हैं अभी पीछे, तो अभी काकी जी को ऊपर धार में रुके रहेंगे, क्योंकि भाई घर में उतना रह करके कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ ताकि थोड़ा वीडियो भी बन जाए और मुझे कंटेंट भी मिल जाए। थोड़ी देर चलने के बाद अभी हम धार में पहुंच चुके हैं और धूप भी भाई सामने चली गई है वहाँ पे, तो अभी थोड़ी देर बाद भाई सूर्यास्त भी होने वाला है। तो गाइस अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पिताजी भी हैं, बैठे हैं हुए हैं और बकरी चल रहे हैं भाई यहाँ पर देखिए। तो आजकल भाई बकरी चल रहे हैं यहाँ पर बढ़िया से, और हमारे भाई वहाँ पर सामने आपको दिख रहे हैं, ये देखिए भाई यहाँ पर बैठे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर पाटे पे, और यहाँ पर देखिए जो बहुत पहले हमने ब्लॉग बनाया था, तो ऐसे घास रखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए भाई। और अभी यहाँ पर है हमारा घास रखा हुआ है सामने, और धूप भी वहाँ सामने वहाँ पर चली गई है, तो थोड़ा अब क्या करेंगे यहाँ पर धारा लगा छोट वो कीड़ो, ये देखो गाइस। तो चलते हैं हम ये नीचे, तो भारा हारा लगाते हैं भाई अभी सभी जा रहे हैं। अरे पुण्य जान बोल कीड़े सु कीड़ो अभी हो को अभी लाग भाई। तो देखिए गाइस भाई अभी यहाँ पर भारा लगाएंगे, देखिए भाई गाइस यहाँ पर घास काटने लग गए हैं, और काकी जी भी यहाँ नीचे जा रहे हैं और किरण बैठ रखी है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी भाई इसके बाद भारा लगाएंगे, और हम यहाँ पर अभी बैठे हैं क्योंकि बारा लगाना नहीं आता हमको, और क्या है इसको भी नहीं आता, इसका कल हम उधर जा रहे थे और बांगा बारा लग रखा था एक साइड से इतना मोटा नीचे से और ऊपर से बिल्कुल ही पतला। तो अभी यहाँ पर है भाई ये सामने घास दिख रहा है, तो ये इसका है, और कल एक बारा ले गए थे भाई ये, और काकी जी ने भी कल इतना बड़ा बारा लगा दिया था, फिर वापिस आए और यहाँ पर रखा, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते यहाँ से, तो सही लगा उनको, पर वहाँ पर जो रास्ता है तो वहाँ पर क्या ऊपर चट्टान है वहाँ पर टकरता भाई, तो इसीलिए वहाँ पर नहीं ले गए थे। तो हम भी इसके बाद भारा लगाएंगे, दो चार पुली कर रहे हैं प्रियंका नीचे गाय के लिए, उसके बाद हम चलेंगे भाई घर। तो गाइस अभी भाई घास भी लगे हैं ये, और अभी यहाँ पर भारा लगाएंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भाई सीधा खड़ा चट्टान है, तो यहाँ से किरण क्या करेगी वहाँ पर ले जाएगी और वहाँ पर प्रियंका भारा लगाएगी भाई। तो इसको जो सिराणी बोलते हैं हमारे गढ़वाल में, और इसको ऐसा ढीला किया जाता है और उसके बाद इसको चौड़ाई में रखा जाता है, और फिर चार पुली ऐसे में रखते हैं, चार पुली ऐसे में रखते हैं। तो अभी भारा लग, ये देखिए भाई अभी यहाँ से वहाँ पर ले जाएंगे। तो गाइस देखिए भाई भारी भी लग चुकी है, और ये देखिए भाई भयंकर वाली भारी लग गई है भाई, बिल्कुल ही गोल मटोल, ये देखिए भाई, और सामने का नज़ारा आपको काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो ये भाई झड़कोला का नज़ारा है, देखिए अभी यहाँ पर भाई शाम तक, बहुत ही शाम तक यहाँ पर धूप रहती है। तो गाइस देखिए खड़खड़ी मैंने एक पोला भी कर दिया है, तो खड़खड़ी का मतलब होता है एकदम से जल्दी कर दिया है, जैसे ही भारा लगा यहाँ पे, तो उससे पहले भाई मैंने ये देखिए, और किरण वहाँ से हंस रही खड़खड़ी बोल रहा है, क्योंकि गढ़वाली भाषा है खड़खड़ी मतलब तुरंत। तो देखिए भाई अभी भारा भी बिल्कुल बढ़िया सा लग गया है, और यहाँ पर अब मेरा वाला भारा लग रहा नहीं, ये देखो भाई ऐसे पहाड़ों में भाई ऐसा होता है काश्तकार, ये देखो तो इसको पूरा खोलेंगे।
तो भाई किरण भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है तैयार, और ऊपर क्या पता ऊपर रुकी रहेगी, तो हम भी एकदम से भाड़ा लगाते हैं यहाँ पे। दोस्तों थोड़ी देर चलने के बाद अभी यहाँ पर हम थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, और बाकी भाई नीचे हैं, यहाँ पर नीचे आ रहे हैं काकी लोग, और हम यहाँ पर भाई थकान भी लग चुकी है काफ़ी। तो दोस्तों आज बर्थडे है, किसका बर्थडे है? रुद्रेश को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, रुद्रेश को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी भाई ये सारे बच्चे जितने भी हैं वो जा रहे हैं रुद्रेश के बर्थडे में। तो भाई देखिए, हाँ ये देखिए सब आ रखे हैं, तो इनकी एक छोटी सी सेल्फी लेते हैं भाई। यार काका जी यार बहुत प्रॉब्लम हो रही वीडियो डालने में, आप मेरे साथ आओगे उधर वीडियो डालने के लिए 2 किलोमीटर दूर? अभी चलते हैं, दाल में चलते हैं। क्या करें, आपके फोन में चल रहा नेट? ना आज तो चल ही नहीं रहा नेट वैसे। वैसे गाइज मैं बताऊं आपको, बहुत ही दिक्कत हो रही यार काका जी वीडियो अपलोड करने में। लगभग मैं जब रात में लगा दे रहा हूं तो सुबह 3-4 बजे तक हो रहा है। तो आप काका जी गाइज भाई आज से काका जी हमारे साथ डेली जाएंगे यहाँ से वीडियो अपलोड करने। क्या बताऊँ, समस्या हो रही है, और वीडियो तो बना रखी बहुत है, वीडियो लगभग आप लगाओ कि 15-10 दिन पहले की वीडियो अभी मेरे पास है, और इतनी समस्या हो रही क्या ही बताऊँ। तो आज से मेरे साथ काका जी आएंगे, जितना हेल्प हो सके, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ काका जी ने हाँ कहा और काका जी मेरे साथ मदद करेंगे। तो भाई आप शाम को चलेंगे वहाँ पे अपलोड करने के लिए, धार में वो भी 2 वीडियो है आज, तो भाई 4K की वीडियो आपको मिलने वाली है, क्या ही बताऊँ। तो धार में जाना पड़ेगा, मैं यहाँ के भरोसे रुका रहा, पर यहाँ पर क्या है कि भाई बहुत ही समस्या हो रही है, लगभग 5-6 घंटे लग जा रहे हैं, तो इसीलिए आज हम धार में चलते हैं गाइस, आपसे मुलाकात वहीं पर होगी इसके बाद। गाइस प्रियंका भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, और हमारा डॉगी भाई वहाँ पे मस्त होकर के बैठ रखा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, जो कि बहुत दूर है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर भाई बढ़िया नेट चला, 5G नेट चला, तो इसीलिए आजकल बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। मेरे साथ अभी आगे देखा होगा काका जी आ रहे थे, और क्या हुआ कि काका जी किरण जा रहे थे खेतों में घास काटने के लिए। तो अभी हम जा रहे भाई, काका जी को टाइम नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, तो चलते हैं हम भाई, अभी धार में मिलते हैं आपको। गाइस ये है जंगल भाई, तो अभी हम लगभग यहाँ पर पहुँच चुके हैं जंगलों के बीच भाई। Hello guys. ये देखिए, हेलो गाइस, और रितीज है मेरे साथ। गाइस आप देख सकते हैं ऊपर भाई बकरी भी चल रही है। अभी हम यहाँ पर धार में पहुँच चुके हैं भाई, यहाँ से सामने जो गांव दिख रहे हैं। तो आजकल क्या है कि बहुत ही दूर आना पड़ रहा है, क्या पता अंधेरा भी हो जाए और हवा भी चल रही भाई यहाँ पर, और हमने इसलिए लालटेन ला रखी है, अंधेरा हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, घर जाएंगे भाई। तो 2 वीडियो अपलोड करनी है, समस्या बहुत है क्या ही बताऊं, लगातार लगभग 10-12 दिनों से बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। वैसे 4G चल रहा था, वो भी आजकल बहुत ही कम हो गया है, तो क्या बताएं समस्याएं हैं। अभी लगभग चल के जंगल के बीच से आ रहे हम यहाँ पर धार में, तो काफ़ी दूर है यहाँ पर। तो आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, इस मेहनत के लिए तो इतनी दूर आना पड़ रहा है। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड।